अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सायरा सत्तानी किचन। आपके पेशे खिदमत आज बनाने वाली पॉम्पलेट कड़ी और स्टीम राइस। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या मसाला लगेगा और उसका तरीका किस तरीके का होगा। चलिए, पॉम्पलेट कड़ी के लिए तो सबसे पहले फिश लगेगी और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरी फिश पानी में तैर रही है और माशाल्लाह साइज भी माशाल्लाह। और इसके साथ में करी के लिए क्या लगेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो, ये गर्म पानी में मैंने इमली और जो सूखी हुई कैरी होती है ना खट्टी वाली, उसको मैं भिगाई हूँ। और उसके बाद में मैं इसमें अदरक लहसुन और सूखे लाल मिर्च पाउडर और टर्मरिक पाउडर ये मैं निकाल कर रखी हूँ। मुझे क्वांटिटी मैंने हमेशा आपको बताया, जितनी क्वांटिटी लगेगी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में करी के लिए थोड़ी सी खट्टी कड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है स्टीम राइस में, तो आप देख सकते हो कि मैंने टमेटो थोड़े ज़्यादा ली हूँ और ये नारियल ली हूँ, इसको अभी मैं चॉप पीसूँगी। और ये कोथमीर, कड़ी पत्ता और ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं, आप चाहो तो तीखी यूज़ कर सकते हो। ये सब ऊपर सजावट में लगेगा और ये चॉपिंग करूँगी, इसको मैं बघार में डालूँगी। चलिए अब मैं तरीका बताती हूँ कि हमको पहले पेस्ट किस चीज़ का बनाना है। अब सबसे पहले नारियल को पीस कर लीजिए क्योंकि आपको इसको पेस्ट बनाना है। तो अब सबसे ये देखिए, मैंने इसमें नारियल काटी हूँ और एक प्याज डाली हूँ। तो अब मैं इसको बिना पानी के पहले थोड़ा सा दरदरा करूँगी, उसके बाद में दूसरे मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए, दरदरा तो हो गया थोड़ा बहुत। अभी आप इसमें जो लिक्विड फॉर्म में आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये लिक्विड बनाने में पेस्ट बनाने में हेल्प करेगा। पानी की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर टमेटो यूज़ कर लीजिए। मुझे सब पूरे टमाटे पीस के अंदर पीस के पेस्ट ही बनाने हैं, तो मैं जितना इसमें हो सकता उतना करूँगी, नहीं तो फिर वो फोल्ड करेगा, बाहर आ जाएगा। अब मैंने इसमें टमेटो उसके साथ में मैं कटिंग करके डाली हूँ। अब मैं ये पीस रही हूँ विदाउट पानी, मैंने पानी अब तक यूज़ नहीं किया। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि इसमें अब पानी की ज़रूरत कितनी लगेगी। अब इसमें हमको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ये बराबर से घूम नहीं रहा है। चलिए, मैंने इसमें अब थोड़ा सा वाटर यूज़ किया है, अब हम देखते हैं। चलो अब हम एक बार वापस देख लेते हैं। चलो माशाल्लाह शुरू हो गया ये पेस्ट होने का, आप देख सकते हो। तो हमको तो ये सारे टमेटो इसको पीसना है, तो आप जितनी जगह लग रही है तो आप और थोड़ा ऐड कर लीजिए इसके अंदर। देखिए आप, ये अभी मैंने नारियल टमेटो उसको पूरा बारीक पीस के रेडी कर ली हूँ पेस्ट बना के। और ऑलरेडी मेरा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो भी मैं इसके साथ में थोड़ा सा एक बार इसको मिक्स करना चाहती हूँ ताकि ये सब मसाले मुझे एक साथ भूनने ग्रेवी के लिए। तो मैं थोड़ा इसको फिर से ग्रेवी अपना मिक्सी में चलाऊंगी। ये देखिए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्ची पाउडर और टर्मरिक पाउडर ये पूरा एक है। चलिए अब इसको हम अलग निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताई थी कि मैं गर्म पानी में ये इमली भिगाई थी और सूखी हुई कैरी, तो ये कैरी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि मैं अजमेर से लाती हूँ, तो इसको भी मैं थोड़ा सा दरदरा पीसूंगी बिकॉज मुझे फिश कड़ी फिश मसाला खट्टा अच्छा लगता है। ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बन चुका है ये, तो हम लोग इसको छान के फिर इसके अंदर जब ग्रेवी रेडी होगी, हमारी लास्ट स्टेप होता है खट्टा को ऐड करना, देन उसके बाद हम लोग ये ऐड करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मसाले और जो भी इसके अंदर खटास लगेगी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हूँ। ये देखिए, ये इमली और सूखी हुई कैरी का पेस्ट है, बिल्कुल गाढ़ा, लेकिन आप ऐसे मत यूज़ करना, इसको थोड़ा सा लिक्विड करके छान के यूज़ करना। चलिए अभी हम लोग फिश को क्लीन कर लेते हैं। तो मेरा फिश क्लीन करने का तरीका आपको एक बता देती हूँ। मैं पहले सबसे पहले तो इसको कटिंग करती हूँ। ये मैं सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूँ। देखिए,
हो गए आपके सारे और क्लीन। अब इसके पीसेस करने हैं और अंदर का क्लीन करना है आपको, मैं अभी वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए फिश को आपको जितने पीस चाहिए आप पहले इसमें कट लगा लीजिए। मेरी फिश तो माशाल्लाह बड़ी है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक फिश में 4 पीस इनफ होगा, क्योंकि ज़्यादा पतली भी फिश अच्छी नहीं लगती है। फिर चलिए अभी ये प्याज को मैं अभी बघाड़ के लिए चॉप कर रही हूँ। और ये देखिए जो मैं फिश क्लीन कर रही हूँ इसको मैं सॉल्ट लगा के रख दी हूँ। इसको फिर जब आप ग्रेवी में ऐड करोगे तो इसको वॉश कर लीजिए। बाकी सारे मसाले मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। और ये वाला लिक्विड है कैरी, सूखी हुई कैरी और इमली का। चलिए ये बघाड़ने के लिए प्याज चॉप हो गया। और मैंने आपको ये बताई थी कि आप जब भी ये लिक्विड बनाओगे तो छान के डालना। तो ये देखो मैंने एकदम स्मूथ ग्रेवी बनाई हूँ खटास के लिए। और ये सूखी कैरी और इमली का पल्प जो मैं निकाली हूँ उसका कचरा ये डस्ट है। ऑनियन के साथ ये वाली ग्रीन चिल्ली भी आप बघार में ऐड कर लीजिए। जब ऑयल में गर्म ऑयल के अंदर आप डालोगे तो ये भी डालना। ये जब फ्राई होगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए मैंने ऑयल तो रख दियो और अभी माशाल्लाह ऑयल भी गर्म हो गया। सबसे पहले आप ऑयल में ये करी पत्ता डालिए और इसके बाद में ये प्याज और ग्रीन चिली डाल दीजिए। देखिए प्याज ना जली है, ना ब्राउन हुई है, ना पिंक हुई है, ये गल गई है क्योंकि मैंने इसके साथ में नमक ऐड कर ली थी। और आप सब लोग शायद कोथमीर सालन के बाद जब बनता है ग्रेवी तो उसके बाद डालते हो, पर मैं पहले डालती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा तेल में जब इसको भूनती हूँ तो ये थोड़ी क्रंची हो जाती है तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है और सालन में भी इसका टेस्ट आ ही जाता है। तो थोड़ा सा आप इसको क्रंची कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा मसाला ऐड कीजिए। ये देखिए मिर्ची देखिए आप बिल्कुल फ्राई हो गई है, कड़ी पत्ता भी बिल्कुल फ्राई है। और अभी मैंने जो कोथमीर इसमें ऐड की थी वो भी देखिए उसका ग्रीनपन ख़त्म हो गया और क्रंचीपन थोड़ा सा उसमें ऐड हो गया। अब आप इसके अंदर अदरक लहसुन मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर जो हमने पीसा था अब आप इसको इसमें ऐड कीजिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अदरक लहसुन जब भी आप मसाला भूनो सबसे पहले अदरक लहसुन का मसाला भूनना चाहिए क्योंकि उसके अंदर की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मसाला ये भून रहा है, पूरा नहीं भूना है। अब आप इसके अंदर नारियल और टमाटो जो पीसे हैं इसका ग्रेवी इसका लिक्विड आप इसमें बना डालिए। अब ये मसाला आपको भूनना है पूरा अच्छी तरीके से। देखिए आप देख सकते हो साइड में से इसके बॉल चालू हो गए तो ये मतलब अब मसाला भूनना चालू हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसका कच्चापन जो स्मेल होती है वो पूरी निकल जानी चाहिए। और ऑयल जो ये वाला ऑयल थिक है, जब मसाला रेडी होगा तो इसका लिक्विड जो ऑयल होगा वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो समझ जाइए कि आपका मसाला भून गया है। तो अभी हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा मसाला कितने तक हो गया है रेडी। अभी बाकी है तो आप बीच बीच में इसको चेक कर लीजिए और इसको चलाते रहिए ताकि ये नीचे लगे नहीं और आपको पता भी चल जाए कि आपका मसाला कितना रेडी हो चुका है। ठीक है अभी तो ये काफ़ी तैयार हो चुका है। चलिए हम लोग देख लेते। ओह माशाल्लाह देखा आपने, देखो ऑयल कैसे घूम रहा है चारों तरफ। इसी को बोलते हैं कि मसाला रेडी होना। ये हो गया रेडी मसाला। अब हमको इसको ग्रेवी करना है और इसके अंदर हमको फिश छोड़नी है। तो ये जो मैंने मसाले पीसी थी ये पहले तो ये पानी इसमें ऐड कीजिए और आपको जितना इसमें ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हो। अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखो स्टीम राइस के लिए इससे भी पतला ग्रेवी लगेगा और मैंने थोड़ा सा बाकी इसलिए रखी हूँ क्योंकि जो मैं खटास बना कर रखी हूँ तो वो भी लिक्विड ही है तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। लेकिन इसके पहले हमको इसको एक बॉयल आने देना चाहिए। तो आप इसमें अभी ढक्कन रख दीजिए। ये देखिए फिश जो मैंने नमक लगा कर रखी थी इसको सॉफ्ट मैं धो ली हूँ। देखो फिश एकदम क्लीन है। मैंने जो सॉल्ट लगा कर रखी थी उसको वॉश कर ली हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी में ऐड करना। आप फिश को देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है।
और ग्रेवी में तो मोस्टली मुंडी यूज़ होती है और पीछे का दुम यूज़ होता है, पर देख सकते हो आप कि एकदम क्लीन हो चुकी है फिश। और हमारा जब एक बाउल आएगा तो फिश के साथ में ही हमको ये जो लिक्विड हमने खटास के लिए बनाई है तो आपको इसी के साथ ऐड करना है। ये देखिए ऐसे ही बॉयल आने चाहिए इसके अंदर। आप ये देख सकते हो कि हल्का हल्का ऑयल साइड में छूट रहा है, तो मैं इसी के साथ में अब ये फिश ऐड करूँगी। फिश पूरा ऐड होने के बाद ये जो मैंने खट्टा लिक्विड बनाई हूँ इसी के साथ आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए कि कितना खट्टापन चाहिए आपको। ये देखिए ये स्टीम राइस के लिए ये इस तरीके की ग्रेवी होती है। बस इसको आप 5 से 7 मिनट बॉईल होने दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। अभी आप इसके अंदर ढककर, मैं पहले टेस्ट करूंगी खटास का, उसके बाद आपको बताती हूँ। मैंने खट्टा और नमक टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है और लिक्विड भी आप देख सकते हो इतना है। तो आप अभी इसके अंदर ढक्कन ऐड कर, ये देखिए आप हल्का हल्का बॉईल आना चालू हो गया। ओनली 5 मिनट्स आप रेडी करें इसको, पकने दीजिए, नहीं तो फिर आपकी फिश है फूट जाएगी। तो आप इसको ढक्कन लगा लीजिए और 5 मिनट के लिए आप इसको तेज आंच पे पकने दीजिए। फाइनली हमारा फिश करी रेडी हो गई। देखिए फिश कहीं पे भी आपकी टूटी नहीं है और आपकी ग्रेवी भी रेडी हो गई है। और आपका ऑयल देखिए, आपका ऑयल भी साइड में छूट गया है, ग्रेवी भी रेडी हो गई है। चलिए अब मैं फाइनली टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसी बनी है। चलिए मेरा पहले तो आपका स्वागत है मेरे डाइनिंग टेबल पे। और ये मेरी फिश करी रेडी हो चुकी है और इसके साथ में ये स्टीम राइस। और इसको तड़का देने के लिए हमने वाइट प्याज का सहारा लिया है। तो चलिए मैं पहले आपको टेस्ट करके थोड़ा दिखाती हूँ। पहले टेस्ट करूंगी फिर इसको आपको बताती हूँ कि क्या रिजल्ट आया है फिश करी का। हमारी फिश तो रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिए, देख सकते हैं आप। चलिए मैं पहले फिश टेस्ट करती हूँ, आइए खाने के लिए। बहुत टेस्टी फिश। अब जो राइस और ग्रेवी का बारी है, वेरी टेस्टी। और उसके साथ में आप थोड़ा सा प्याज दीजिए। यम्मी यम्मी फिश करी स्टीम राइस विद सायरा सत्तानी स्टाइल। तो मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरी फिश करी बहुत टेस्ट बनी है। इंशाल्लाह मैंने सारी रेसिपी आपको दिखाई हो, मसाले दिखाई हो और उसका तरीका भी दिखाई हो। इंशाल्लाह आप अपने घर में ट्राई कीजिए, बनाइए, आप भी खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो मुझे अपने दिल में रहने की जगह दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।